नमस्कार, मैं रोशनी, आप देख रहे हैं तेज हरियाणा। सिरसा से सांसद शैलजा कुमारी जमाल की ढाणी ज्ञानदीप में चल रहे अनिश्चितकालीन पक्का मोर्चा में पहुंचकर किसानों की समस्याएं सुनी। उन्होंने दावा किया कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो विशेष पॉलिसी के तहत उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा और बतौर सांसद में खुद इस समस्या का हल करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए जानते हैं विशेष रिपोर्ट। दुख की बात है कि सरकार ने कोई सुध नहीं ली है इनकी, और इतनी गर्मी में जो इनको दिक्कत आ रही है, तो हमारी सरकार आएगी उसके बाद हम ये सारा देखेंगे पॉलिसी भी। लेकिन वर्तमान में मैं सांसद हूँ तो मेरा प्रयास होगा कि मैं इनकी समस्या का हल जल्द से जल्दी निकालूं। चुनाव की घोषणा थोड़े टाइम पहले होगी, कांग्रेस किस तरह से? कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तैयारी है, ज़मीन पर तैयारी है, लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं और लोग भी, अब लोगों का मन है व्यवस्था बदलें, सरकार बदलें और कांग्रेस की सरकार। नायब सैनी तीसरी बार दावा कर रहे हैं सरकार बनाने का। नहीं, वो तो अभी चंद महीनों के CM हैं, अब उनसे दावे करवाए गए हैं, परंतु 10 साल का जो लेखा जोखा है उसका जवाब तो भाजपा को देना पड़ेगा। बाद में 16 टिकटार थी, एक ही परिवार से थी, मिलेगा तो एक को ना। अच्छा भाई, पहली बात तो ये, आपने वोट दिया, पूरा सपोर्ट किया और आपका हक है, उसको रख दो एक पास से। आपका मेरा सिर्फ इस वोट का रिश्ता नहीं है। अगर भाई इस बार जिता दी और फिर आपको भाई MP है और हमारे लिए कुछ कर, इस चीज को तो साइड रख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है इस बात की। बात ये है कि जमाल से पुराना रिश्ता है और भाई अपना पक्का रिश्ता है पुराना। चाहे मैं यहाँ से MP रही हूँ चाहे ना रही हूँ, अपना आपस का रहा, मेरा आना जाना भी रहा और आपका पूरा प्यार मेरे को मिलता रहा। तो इसमें इसमें इस वोट में तो आप लोगों ने भाई मेरे को पूरा आशीर्वाद दिया, वो तो है ही एक बात। पर जो आपकी समस्या है वो इस इलेक्शन से भी छोड़ दो, कोई भी समस्या जमाल की है या कहीं की भी, आपका भी हक है और मेरा भी फर्ज है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरी रेस्ट हाउस में भी उस दिन बात हो गई थी, कहा कि भाई आप यहाँ आ जाओगे तो अच्छा रहेगा, तो मैं अब सुबह सुबह इसीलिए आई, जींद जाना है प्रोग्राम में, पर आपकी मैं तसल्ली करवाना चाह रही हूँ। देखो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता आप अपना काम को छोड़ के बैठे हो यहाँ, और भाई सरकार को तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगना चाहिए, काम होना चाहिए। तो मैंने पता भी किया जो वर्तमान सरकार भाजपा जो पॉलिसी है या करना चाह रहे हैं नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये तो कुछ कह भी देते हैं तो भी काम होते नहीं, इनके तो वायदे खोखले ये वो सारी इनकी बातें हैं। पर इस मेन मुद्दे पे आप आ जाते हैं, डाणियों का जो है बिजली के बिना बड़ी दिक्कत होती है, मैं समझती हूँ। मेरा फंड जो MP लाए थे, देखो दो बातें, एक तो अपनी सरकार आनी है कांग्रेस की, तो अपनी सरकार आएगी पॉलिसी बनेगी उसको भी हम देखेंगे, लेकिन पॉलिसी पहले बन जाए तो उसका फायदा, और पॉलिसी में टाइम हो तो भाई मैं खड़ी हूँ। तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करो, जैसे ही मेरा फंड आ जाता है MP लाइट का, क्योंकि अभी बजट पास हुआ है जो अभी 70 हुआ है, तो हमारा फंड MP लाइट का सांसद निधि का जैसे ही फंड आ जाता है, आचार संहिता हो ना हो कुछ भी हो, सबसे पहला चेक मेरा कटेगा जमाल का। इसमें कोई आचार संहिता वाली बात नहीं भाई, ये तो हमारा फंड है जो चलता रहता है, तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं। तो आपकी जो समस्या है, आपकी समस्या प्राथमिकता पे, और आपका पहला हक जैसे ही फंड आए, बेशक आचार संहिता के बाद ये लगाएंगे तो उसमें भी टाइम निकलते देर नहीं लगेगी, जल्दी हो जाएगा। तो जो भी एस्टिमेट है जैसे भी है मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का काम आपकी समस्या का हल निकालना मेरा फर्ज है और हम करेंगे, ठीक है। लेडीज को भी मैं कह रही हूँ आप लोगों का हक है, और आपकी सांसद भी हूँ, और भाई मेरा जैसे ही फंड आएगा कोई भी गांव के लोग
या मैं खुद भेज दूंगी और आपको कॉपी भेज दूंगी। तो गांव से जिम्मेवार लोग थोड़ा फॉलो अप जरूर कर लें। विश्वास दे माने बीस दे दे विश्वास ना दे देखो बात ये है जबान है, दूसरी बात चेक है, जबान अभी ले ली और चेक भेज दे लियो भाई।